माँ भारती का, हिसाली वाली मैया का मैं चरण वंदन करती हूँ। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से आप सभी को जय सियाराम। दुख में भी कैसे हंसते हुए हमारे प्रभु ने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड। मैं आपको यही अरण्य कांड यथा रूप सुनाती हूं, आप बस मन लगाकर सुनते जाइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। 31वां सर्ग। रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। तदनंतर जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए, खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है, कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभय दान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला, राक्षस राज, राजा दशरथ के नव युवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं, शरीर का रंग सांवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं, उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जन स्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। अकंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकंपन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुंचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुदुम्भी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो,
उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पांख वाले बाण पांच मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनघ, इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जनस्थान का विनाश किया है। अकंपन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जनस्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोकों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल हैं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है? उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें। सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की वह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातः काल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नता पूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है ना? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक
खर दूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहां हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज हैं, जिसकी गंध सूंघ कर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडौल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़े हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर हैं। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्राह है। भुजाओं का वेग ही कीचड़ है। बाण ही तरंग मालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर प्रसन्न हो, राक्षस राज सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बत्तीसवां सर्ग। शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण खर और त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चीत्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है, यह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सत महले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है।
उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुद गणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आस पास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस समय सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अशनि के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वैदूर्य मणि नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ हलचल पैदा कर सकता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोध पूर्वक कुबेर के दिव्य चैत्र रथ वन को, सौगंधिक कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम रस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे क्रूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था।
समस्त लोकों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलत से कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। 33वां सर्ग शूर्पणखा का रावण को फटकारना। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है, ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं, ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा? राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है, ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया,
फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है? अकेले राम ने, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीम कर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभय दान कर दिया तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थीं, उन सब को दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरता पूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्म परायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से तो सोता है, परंतु नीति की आँखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये।